कोई एक रास्ता बता दो यार जिससे मैं गई खत्म हो जाए, गई खत्म हो जाए। ये कोई मैं कोई इलाज बता दो उसका, या नून लीग का कोई इलाज बता दो। शहबाज शरीफ को कुर्सी उतार दे, पीएम की कुर्सी उतार दे, कुर्सी से उतार दे, फिर पेट्रोल भी नीचे आ जाएगा। खान को वापस ले, खान को। अच्छा खान कैसे लेके आएगा नीचे पेट्रोल, अब तो इतना ऊपर चला गया। अब इमू जिद बन चुकी है भाई हमारी, इमू अब हमारी जिद बन चुकी है। अच्छा हाँ, अब इमू को लेके आएंगे, इमू खुद ही कुछ ना कुछ करेगा। लेकिन पेट्रोल कैसे नीचे आएगा, इमू को पता है ना, इमू को लेके आएंगे, इमू खुद कुछ ना कुछ करेगा। महंगाई का इलाज तो कुछ नहीं है मेरी जान, कुछ ना कुछ तो होगा आपके जहन। नथिंग, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, बढ़ने दें, बढ़ेगी। इसने क्या नाम रुकना नहीं है, कोई भी आएगा ना हुक्मरान ठीक है, उसने अपनी तरफ से कोशिश करनी है काम करने की, लेकिन होनी कोई नहीं है ठीक है। अच्छा आपको लगता है खान की हुकूमत में महंगाई कम थी इसकी निस्बत? नहीं, इसकी निस्बत तो कम थी, कम थी लेकिन इससे पहले की निस्बत ज्यादा थी ठीक है, इससे पहले की निस्बत ठीक है। और अब क्या सीन हुआ जी, पेट्रोल के नाम 209 हो गया, रातों रात 60 रुपए बढ़ा दिए जी, जी उसका क्या सीन करेंगे? उसका सीन कुछ भी नहीं है, जिस तरह कराची में आपने सुना होगा क्या नाम है, आवाम ने पेट्रोल पंप तोड़े ठीक है, तो आवाम सिर्फ नॉर्मली तौर पर गुस्सा ही निकाल सकती है, ज्यादा कुछ कोई इलाज है, इलाज यही है कि क्या नाम है हुक्मरान जो बार बार आ रहे हैं ठीक है, एक ही स्टैंड बाई पे रहे तो है। अच्छा वो एक स्टैंड बाई पे कौन रहे थी? खान साहब ही रहेंगे, रहे ठीक है। तो नून लीग का इलाज उसने खाना है, उसने खाना है ठीक है, नवाज शरीफ ने खाना है, उसे दबा के खाना है, हाँ उसने नहीं रुकना। कितना खा लेगा यार वो, खून कभी भरते हुए देखे? कौन खून? कैसा लग रहा है तेल पुआ के 209 रुपए? सर बहुत महंगा है पेट्रोल, बहुत महंगा है, जो 100 रुपए का भी आधा लीटर नहीं मिल रहा, तो वो भी पता नहीं पूरा दे रहे नहीं, बिल्कुल मामूली पेट्रोल है, 100 का इस टाइम डलवाते हैं, 100 का 6000 का पेट्रोल डलवा रहे हैं। की फील हो रहा है इस टाइम? बहुत बुरा फील हो रहा है सर, पेट्रोल बहुत महंगा। सर पहली गल है कि इमरान खान है हर मुल्क को कर्जा चुके हैं, चुके उन्हें बाद इन्हें शहबाज शरीफ का वकार ख़त्म कर दे, इन्हें चोर चोर दे, अपनी टीम को नारे लगवा लगवा के ना, अच्छा उनकी वकार इज्जत इन्हें ख़त्म करा दे। दूसरा इन्हें कर्जा हर मुल्क तो चुके हैं, अच्छा हूँ शहबाज शरीफ की दाल निकाल रही है, इन्हें पेट्रोल उन्हें टैक्स ला के महंगा कर दे, अच्छा उन्हें मजबूरन महंगा कर दे। हालांकि इमरान खान ने इस मकाम तक इमरान खान ने आवाम को पहुँचाए, इतनी महंगा तरीन पाकिस्तान को इमरान खान ने की थे, उन्हें इतनी तबाही मचा दी। कितना? 160-170 रुपये किलो घी थी, जैसे में शहबाज हूँ 600 तक पहुँच गए, तो देखो 600 रुपया जारी है, कसूर इमरान खान है। कितना? इमरान खान ने मुल्क को ना बहुत ऊँचा ले गया, इतनी महंगा तरीन कर गया मुल्क को, तबाही मचा दिए। नहीं सर अगर तुम कंपैरिजन करो, हाँ ओदी हुकूमत है तो होंगी हुकूमत, हाँ तो पेट्रोल उदो कितों सी 150 था, हुण 209 था, हाँ क्यों कितना सी 170 ना 500 थी इमरान खान दे, उन्हें 500 सी ले रहे थे, 630 हो गए, 630 हो गए ठीक है। ते सुनो मेरी गल, हाँ हाँ एनू 2 महीने हो गए, चलो कोई थोड़े मतलब सानू रिलीफ नहीं मिल रही, पेट्रोल महंगा मिल रहा है, अच्छा। लेकिन एक गल एक सोचन दी है कि 2 महीने से रिलीफ की मिले थानू, 2 महीने सानू रमजान पैकेज अच्छा रिलीफ चल रहा है, शहबाज रमजान चे है ही नहीं सी, ओ नहीं नहीं ओ नहीं सी, रमजान चे ते खान ही सीगा, रमजान च इस रमजान खान सी, मैं कह रहा हूँ देखो रमजान तो सारा खान था सी के नहीं, लेकिन खान तो चला गया, शहबाज शरीफ ने 400 का पैकेज रमजान से की रिलीफ दे मिला, रिलीफ 400 रुपए का आटा मिला 10 किलो का, अच्छा ते उम्मीद सब नु 100% उम्मीद है महंगाई कंट्रोल होएगी, अगर नहीं होएगी तो शहबाज शरीफ नवाज शरीफ इनकी हुकूमत दोबारा नहीं बन सकेगी। इनने चांस कभी इमरान खान ने भी देते जे, इमरान खान को चांस दे दे के कपड़े उतर गए हैं, किसके? हमारे गरीबों के, तुम्हारा वजीर आजम तो कहता है मैं भी कपड़े ला के बेचूंगा, कह रहे बेचेगा और बेचेगा और मुल्क में बढ़ाएगा इंशाल्लाह, बढ़ाएगा कपड़े बेच के, बेच के नहीं मुल्क में बढ़ाएगा, उन्हें मुल्क में जितनी मुल्क गुरबत धकेलिया गए ना, इन्हें माशियत ऊपर करनी है इंशाल्लाह। अच्छा जो 35 साल तो बंदे पिछे चलाते आ रहे हैं, उन्होंने की सीन है? उन्होंने सीन चाहे बुरा भी सी ना, असी सुकून रोटी खा रहे सी, सानू टेंशन नहीं थी। खान भी कह रहा था रोटी खिंचन दिया, खान ने तो रोटी खिंच ली,
इतना महंगाई खान ने की है कि पूरा बुरा हाल हो गया आवाम का, बहुत बुरा हाल, बिल्कुल फिट चल रही है आवाम। अच्छा हम दोनों आपस में खड़े हैं, इंशाल्लाह मेरी यहाँ ड्यूटी है, एक महीने बाद यहाँ फिर इंशाल्लाह मिलेंगे तो ये माहौल ठीक होगा। की डंड पाई है जी तुहानू एक महीने बाद ठीक ना हुई? मैं जनाब नु कढ़ाई गोश्त खवाऊंगा इंशाल्लाह, कढ़ाई गोश्त लो जी, कढ़ाई गोश्त डन कर दिया। एक महीने बाद मैं दोबारा यहाँ पे आऊंगा इंशाल्लाह। आपका नाम क्या जी? मोहम्मद शहजाद। मोहम्मद शहजाद, हाँ भाई एक महीने में वो कह रहे हैं महंगाई कम हुई तो कड़ाई गोश्त नहीं बोला है ये भाई, ये तो बोलने दो इसको, एक महीने में अभी 30 रुपए और भी पेट्रोल महंगा हो गया, 4-7 रुपए बिजली महंगा हो गया। अच्छा मैं एक बात बताता हूँ, पेट्रोल अभी 270 तक जाना है, 200 हाँ ठीक है ना, अगर पे 149 रुपए में था ना तो आप लोगों ने तो बड़े चीखे मार रहा था, आप मीडिया वाला भी घूमता फिरता हर बाजार। अच्छा ये भाई कह रहे थे कि खान साहब ने पूरी दुनिया के मुल्कों से कर्जे ले लिए हैं, ए भी इसको पता नहीं, इसको बोलो कि खान साहब का क्या है, मतलब क्या है खान साहब का, ए पालतू तो इसको बोलो शहबाज शरीफ क्या है, शहबाज शरीफ ने कभी कर्जा नहीं लिया। मेरी बात सुनो, अगर कर्जा नहीं लिया 35 साल अगर कोई घर में भी काम करते है ना, घर में भी उसका घर ठीक होते है, हमारा पाकिस्तान 35 साल में तुमने देखा है कि क्या रोडों के अलावा कोई ठीक हुआ, हमारा रोड कौन सा ठीक हुआ है, हमारा यूनिवर्सिटी कौन सा ठीक हुआ है, बड़े पुल बनाए हैं यार उन्होंने, किस चीज बनाया, देखो ना ये वाला ऑरेंज ट्रेन बनाया ना, अगर 30-15 साल वो चला रहे ना तो फिर उसका कर्जा उतर जाएगा, अगर 15 साल एक चीज हम उसको टैक्स देते ना तो उस मुल्क का क्या पैदा होते है, उस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर को क्या पैदा होते, अगर वो तुर्किया के दौरे में आपने देखा नहीं कि वो तुर्किया के दौरे में किया उसका हाल क्या था। अच्छा मुझे एक बात बताएं, इस महंगाई का इलाज क्या लगता जी आप? इस महंगाई का मेरी बात सुन लो, इलाज तो आपको पता होना चाहिए, आप मीडिया वाले अक्सर घूमते फिरते, लेकिन कम से कम आपकी ये आपके थ्रू में ये कैमरे के थ्रू में मैं बता रहा हूँ कि आप सारा सर्वे कर लो, ठीक है दालों का सर्वे कर लो, हड्डे का, चीनी का, हर चीज का, अभी 2 महीनों में 60 रुपए ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ठीक है 3 सालों में 60 रुपए किसी चीज की महंगाई तुम मुझे साबित कर लो ना तो मैं आपके एक कैमरे के थ्रू में आप पांसी लगाऊंगा खुद ही, ठीक है कम होने का नाम नहीं लेगी। ये मेरी बात सुन लो, ये देखो ना मेरी बात सुन लो, सुन लो, अगर कोई 40-45 केस के ऊपर प्राइम मिनिस्टर बन रहे ना ये हमारा कम नसीबी है। अच्छा। बाजी मुल्कों को प्राइम मिनिस्टर देखो, कनाडा का प्राइम मिनिस्टर देखो, रबिया का देखो, माल्टे का देखो, तुर्किया का, रबिया हर जगह का प्राइम मिनिस्टर देख लो, वो ऐसे घूमते फिरते हैं जैसे आम इंसान घूमते फिरते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ये चोर है, ये खुद ही पास इतना प्रोटोकॉल होते है ना, इतना प्रोटोकॉलों का हर जगह हासिल पूरा खान ठीक कर लेगा सब कुछ आ गया दोबारा वापस आए। मेरी बात सुन लो, ये मैं इस पे गवाह नहीं करता हूँ कि खान साहब ठीक कर दे या ये नहीं ठीक कर दे, अगर मेरा ये एक आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, अगर इस वक्त हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु भी आएगा ना तो ये उम्मत उस तरह का नहीं है, यहाँ का सारा नफरत है, ठीक है एक तुम पर तोहमत लगाते मैं इस पर लगाता हूँ, सारा दुनिया तोहमत ही पर लगाते है, ये बात नहीं होते। सर कितना मुश्किल हो रहा है इस महंगाई के दौर में जीना, एक गरीब के लिए कर लें या एक मिडिल क्लास के लिए कर लें, मीडियम कर लें। बड़ा मुश्किल हो रहा है सबके लिए, हमारे लिए भी मुश्किल है, पेट्रोल देख लें आप चीजें देख लें। Why you ask the question for this? मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे व्यूज को भी ये बात पता चले कि आवाम किस कदर सर आप हल बता दें ना, कोई इस महंगाई का इलाज बता दें, कोई हल बता दें जिससे वहाँ तक पहुँच सके, किस चीज को I no find out that any good person find the Pakistan. Every person is corruption. Because we are also corruption. So us, how we can run the country if we do not trust anybody? Just we pray for the God and God help us and protect us. इन लोगों के सर में भूसा है, दिमाग नहीं है बस। अच्छा समझने के लिए रोटी है
भूसा नहीं है, इनके दिमाग में सिर्फ रोटी है। रोटी भी तो नहीं है, इमरान खान के दौर में रोटी था। मेरे कहते हैं 1 रुपए पेट्रोल महंगा, ओ ये तबाही आ गई, पेट्रोल पंप फट गया, आज 60 रुपए हो गया, अभी इनको 35 दिनों में 60 रुपए महंगा हो गया, अब रोटी भी दिमाग से उड़ गई है। ये गुलामी का वो नशा है। आप मुझे ये बताएं कि अगर खान साहब वापस आते हैं, आपको लगता है कि यार ये दोबारा कंट्रोल पोजीशन में आ जाएगा? कंट्रोल करे ना करे, लेकिन इन चोरों को लटकाएंगे इंशाल्लाह। चोरों को लटका देंगे, सबसे पहले सनाउल्ला चमकदड़ को। अच्छा, राणा सनाउल्ला को कोई पैगाम देना? राणा सनाउल्ला, आप मॉडल टाउन के 18 कत्ल 14 कत्ल आपने किए हैं, उसका भी हिसाब लेंगे। नेक्स्ट जो गवर्नमेंट हमारी आएगी इंशाल्लाह, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान होंगे, और आपको अगर जी जिस तरह एक वीडियो शो में आपको एक नौजवान ने खड़े होकर आपको कहा था कि जरदारी ने शहबाज शरीफ को कहा मैं उल्टा लटकाऊंगा, और शहबाज शरीफ ने कहा मैं आपको घसीटूंगा, लेकिन आप लोगों ने तो ये नहीं किया, लेकिन उस जवान ने आपको कहा कि हम ये यूथ खड़ा होकर आप दोनों को उल्टा लटकाएंगे, तो यही हमारा जो है यूथ का पैगाम है।